ऐसा पहली बार हुआ है जब पेट्रोल जैसी पदार्थों से सीएनजी महंगी हो गई हो। सीएनजी के दाम में 5 रुपये से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। सीएनजी के दाम बढ़ने के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। सीएनजी के दाम एक बार पेट्रोल से ज़्यादा हो गए हैं। ये शायद पहला मौका होगा जब सीएनजी पेट्रोल से आगे निकल गई। आखिर क्या लोगों की राय है वो भी हम आपको बताएंगे और यहाँ दिखाने जा रहे हैं जो सीएनजी लोग भरवा रहे हैं अपने ऑटो रिक्शे में, देख सकते हैं आप यहाँ से। ये सीएनजी लगभग 6 महीने में लगभग बताया जा रहा है कि 25 रुपये के आसपास बढ़ी है और अभी जब ये सीएनजी लगभग 91 रुपये 96 पैसे के आसपास थी, यानी कि लगभग 92 रुपये, और पेट्रोल था उस समय 96 रुपये, आज सीएनजी की कीमत बढ़कर 97 रुपये कुछ पैसे हो गया है। यानी कि ये मान सकते हैं कि सीएनजी की कीमत पेट्रोल से काफ़ी आगे निकल गई है। आप देख सकते हैं यहाँ ये वैन है जिसमें ये सीएनजी, एक मिनट भैया एक मिनट, ये सीएनजी देख सकते हैं, इसका सिलेंडर है, ये कितने लीटर का सिलेंडर होगा, ये 14 लीटर का सिलेंडर है ये, और इसमें दाम काफ़ी बढ़ गए इसके। और अब अगर बात करें आपसे तो कैसा फील कर रहे हैं दाम बढ़ने के बाद? इधर आइए, आगे आइए तो बताइए, अब कुछ महंगाई का असर पड़ेगा इस गाड़ियों पर जब आप लेके जाएंगे तो? काफ़ी असर पड़ेगा इसके ऊपर। हाँ, क्योंकि आम आदमी की जेब पे काफ़ी असर पड़ रहा है इस पर। तो पेट्रोल डलवाएंगे या सीएनजी डलवाएंगे अब? अब इसके बाद ही पेट्रोल ही, पेट्रोल से ऊपर हो गई तो पेट्रोल ही चलेगा, अब क्या चलेगा फिर? अब पेट्रोल चलेगा जी। तो आपने देखा कि पहला मौका है ऐसे जब तेल में, यानी कि सीएनजी जो है वो महंगी हुई है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, आप यहाँ सीएनजी जो है ये डाली जा रही है, और अभी तक तो लोग बड़े शौक से सीएनजी डलवाते थे इसलिए क्योंकि वो सस्ती थी। अब चूंकि सीएनजी का रेट जो है पेट्रोल से आगे निकल चुका है, एक कार में यहाँ पर ये सीएनजी डाली जा रही है, कार के ऑनर भी समझौता यहाँ पर है, उनसे ही बात कर लेते हैं अब आगे क्या करेंगे, वो सीएनजी या पेट्रोल? सीएनजी भी ऑलमोस्ट उससे ऊपर चली गई है। क्या हम लोग जैसे तैसे गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, चलो हम लोगों के पास गाड़ी है, लेकिन जो ये ऑटो वाले हैं और इनके ऊपर सबसे ज़्यादा फ़र्क तो इन लोगों के ऊपर पड़ेगा। हम तो चलो एवरेज हैं, चला रहे हैं सारे गांव में, लेकिन अब चूंकि पेट्रोल और सीएनजी एक जैसे भाव पे पहुंच गए हैं तो क्या अंतर पड़ेगा? स्वाभाविकता है कि सर अंतर ये पड़ेगा कि सब्जियां महंगी होंगी। बहुत सारी गाड़ियां सीएनजी पे चल रही हैं, दिल्ली से काफ़ी सारा ट्रांसपोर्ट जो आता है आगरा के लिए या आसपास और क्षेत्र के लिए सीएनजी पे आता है। पेट्रोल महंगा हो गया, रोज़गार मतलब लोगों के पास है नहीं, सारी चीज़ें महंगी होती हैं। पेट्रोल सर देखिए अर्थव्यवस्था चलाता है, पूरा सब कुछ चलाता है, पेट्रोल से बड़ा सब कुछ दिक्कत आती है। पेट्रोल से पेट्रोल महंगा होगा तो संभवतः ये सब गरीब जो लोग हैं ना इनके ऊपर वर्डन पड़ेगा, मिडिल क्लास फैमिली सर नहीं जी सकती। कैसे चलाएंगे अब गाड़ी? अभी तो सर सीएनजी पे चला रहे हैं, फिर पेट्रोल पे चलाएंगे, नहीं होगी तो बेचेंगे, बेचेंगे और क्या है। अभी तो सीएनजी चल रही है और आगे अगर और महंगी हुई तो पीएनजी पे आ जाएंगे लोग। आप ये मीटर देख सकते हैं, यहाँ पर 97 रुपये और 25 पैसे लिखा हुआ है साफ, ये सीएनजी का आज का ये रेट है। आप इधर देख सकते हैं ये जो घूम रहा है इसमें चल रहा है, ये सीएनजी का रेट चल रहा है इस वक्त। आप अनुमान नहीं लगा सकते थे कभी, कल्पना भी नहीं की होगी किसी ने कि सीएनजी का रेट जो है वो पेट्रोल से ज़्यादा हो जाएगा। हम लोग थोड़ा सा आगे तरफ आएंगे, ये दिखाएंगे आपको, पेट्रोल है, आप ये देख सकते हैं 96 रुपये 35 पैसे पेट्रोल की कीमत है और 97 रुपये 25 पैसे वो आज सीएनजी की कीमत हो गई है। सीएनजी में फर्क सिर्फ इतना है कि हो सकता है थोड़ा सा एवरेज ज़्यादा दे रही हो, लेकिन अगर यही कछुआ और यही जो है अगर खरगोश की चाल अगर चलता रहा डीजल और पेट्रोल, तो शायद आने वाला समय भी लोगों के लिए वाहन चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कैमरा पर्सन अनु बघेल के साथ विनोद जूनियर, सीन उजागरा।